पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से हर वर्ग परेशान नजर आ रहा है, जिसके चलते यूथ कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए यूथ कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार एक तरफ किसानों के ऊपर जुल्म ढा रही है और दूसरी तरफ आम इंसान की रोजमर्रा की जरूरतों पर फालतू टैक्स लगाकर हर वर्ग को परेशान करने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा, पहले गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया और बाद में केंद्र सरकार ने लगातार रोजाना ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जो कि 100 रुपए के पार पहुंच गया, जिसको खरीदना आम इंसान के बस की बात नहीं। उन्होंने कहा, एक तरफ तो कोरोना महामारी के कारण लोगों को काम धंधे बंद पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार महंगाई की मार करने पर उतारू है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि मंदी की मार झेल रहे लोगों को सुविधाएं दें ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को आज भारत के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में हर व्यक्ति मंदी की मार झेल रहा है, वहीं आम आदमी वस्तुओं पर हो रही महंगाई के कारण खरीद भी नहीं पा रहा। इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करे ताकि हर वर्ग को सुविधाएं मिले, जिसके लिए पूरे मानसा शहर में रोष प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार की अर्थी जलाई गई। अशिकल भाई जी सारे नु, आज मोदी सरकार दीड़ी महंगाई नु लेके मानसा शहर दे विच यूथ कांग्रेस जेड़ा रोष प्रदर्शन कर रही है। साडा जिले प्रधान जसविंदर वीर दी अगवाई दे हेठ दे विच यूथ कांग्रेस दी टीम है जेड़ी रोष प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि महंगाई नूं लैके दिनों दिन महंगाई वध रही है। हुण असीं बस स्टैंड तो चले सीगे, 12 अंटा चौंक दे विच आ के मोदी दी अर्थी छाड़न लगे हाँ, क्योंकि जे माड़ा मोटा महंगाई नूं घट कर देवे, क्योंकि जिहड़ा प्रधानमंत्री सी चाह बेचण वाला सीगा, देश दे लायक है नहीं सीगा, एडा नकमी इहदी सरकार आ केंद्र दी, जो महंगाई बहुत वध चुकी है। सरों दा तेल 220 रुपये किलो हो गया, गैस सिलेंडर 900 तो पार हो चलिया, भी बसों बार होगी लोगों ने गल जाने के। सत श्री अकाल जी, मैं लखविंदर सिंह, जिला वाइस प्रेजिडेंट यूथ कांग्रेस मानसा। अज साडा जिहड़ा रोस प्रदर्शन हैगा मोदी सरकार दे केंद्र सरकार दे खिलाफ है, एक तो खेती कानूनों लैके दिनों दिन वध रही महंगाई नूं लैके, चलो तो दिनों दिन वध रही महंगाई नूं लैके जिहड़ी मोदी सरकार ने गरीब परिवारों का जिहड़े दिहाड़ीदार मजदूर बंदे ने 200 रुपये सरों का तेल करता लीटर, तुसीं आप देख लो। मैं एक ना मैं दसना चाहुंदा, वारी वारी मैनूं याद आ गई गल, एक माता तेल पानी पा के तड़का ला रही सी पर दो बूंदा तेल दियां पाइयां। मैं कल एक वीडियो देखी सी किसी होर स्टेट की अपने तो, ते बाकी ये सिलेंडरां दियां, मैं सिलेंडर उस स्टेट दे विच किसी लेडी दे कोले नहीं देखा। वो छोटे माध्यम राही चैनल दे राही मैं दसना चाहुंदा, वह भी एक चैनल वाले सी, साडे भरा सी, वो एक पूरा सर्वा करके आए सीगे एक पूरे वधिया स्टेट का भी, उत्थे उन्होंने किन्ने क सिलेंडर दिते ने। आ हाल है मोदी सरकार का। तो असी लगातार यूथ कांग्रेस वालों, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वालों, पंजाब यूथ कांग्रेस वालों, श्री निवास जी की अगवाई के वरिंदर ढिल्लों जी की, साडे जिला प्रधान जसविंदर वीर चहल की अगवाई के असी मानसा विखे रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई ये साडा रोस प्रदर्शन है कि मोदी सरकार के विरुद्ध है। मोदी सरकार ने पेट्रोल देख लो 100 तो 120 रुपये के जा चुका है, सरों का तेल 200 रुपये हो चुका, महंगाई का एडा हो गया, सिलेंडर 1000 रुपये तो उपर जाने वाला हो गया। मोदी सरकार दे जूं नहीं सरकदी। ये मोदी सरकार वो आ किने 2 रुपये चाह का कप बेचा होया, पर हुण ये मोदी राज करन लग गया। मोदी नूं राज बारे पता ही नहीं कुछ भी किवें हुंदी आ। वो एक गरीब बंदे नूं जेहा एडा वड्डा राज मिल जाए वो माड़ा समझदा हर एक बंदे नूं। तां ये मोदी सरकार ने किते भी गरीबां बारे सोचा नहीं, किहड़ा बंदा दिहाड़ी कर रहा किवें टाइम पास करूगा, दिहाड़ी करूँ तो सरों का तेल लूँ तो पेट्रोल पवाऊ जो जवाकों दवाई दवाऊ। मोदी सरकार दे किते भी नहीं सोचती गरीबों बारे भी की बनूगा यदा। मोदी सरकार एक जुल्म कर रही है पूरा। मोदी सरकार ने औरंगजेब नूं याद कराता लोगों भी, वह भी एक पूरा दसीहे करता सी, उवें मोदी सरकार ने पूरे दसीहे लाए ने। मानसा से राजीव शर्मा, आज़ाद की रिपोर्ट।